आजमगढ़ में विजयदशमी को लेकर सतर्कता संग तैयारी शुरू हो गई है। सभी पंडालों के पट खुल गए हैं और रौनक भी दिखने लगी है। वहीं शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन भी अपनी तैयारियों में लगा हुआ है। पूरे जिले को जोन और सेक्टर में बांटा जा चुका है। सभी को उनकी जिम्मेदारियों को बता दिया गया है। SP ने बताया कि PSC कंपनी होमगार्ड और पुलिस के सभी प्रकोष्ठ के जवानों की ड्यूटी लगा दी गई है। अपराधियों पर और संदिग्ध लोगों पर कड़ी नजर रखी जा रही है और ऐसे लोगों को पाबंद भी किया जा रहा है। खुद सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने SP ने शहर के मध्य मूर्ति पंडालों का निरीक्षण किया और यह भी निर्देश दिया कि प्रत्येक पंडाल पर उस कमेटी का कोई ना कोई सदस्य रात में भी रुका रहेगा, जिससे कहीं कोई भ्रम की स्थिति ना रहे। जनपद के नवरात्र व विजयदशमी को लेकर पंडालों में स्थापित देवी देवताओं की प्रतिमाओं में प्राण प्रतिष्ठा का कार्य कर लिया गया है। जगह जगह पहले की तरह देवी प्रतिमाओं की स्थापना हुई है, लेकिन इस बार भी स्वरूप को छोटा रखा गया है। पिछले वर्ष कोरोना को लेकर तमाम गाइडलाइन व प्रतिबंध थे, हालांकि इस बार उतनी कड़ाई नहीं है, लेकिन फिर भी पिछले वर्षों की सजावट की तड़क भड़क में कमी दिखाई दे रही है। आजमगढ़ से रत्न प्रकाश त्रिपाठी की रिपोर्ट। भ्रमण पे है, खासतौर पे त्योहार को लेकर। देखिए, पूरे जनपद में जो देवी पंडाल हैं वो सज गए हैं, उसमें लोगों की आवागमन भक्तों का बढ़ गया है और चारों तरफ चहल पहल है। इसी को लेकर आज मेरे द्वारा शहर में फुल पेट्रोलिंग की गई और जो देवी पंडाल है उन्हें देखा गया, उनकी व्यवस्था देखी गई और जो कुछ थोड़ी बहुत कमी थी उसके बारे में पंडाल के व्यवस्थापक हैं उन्हें बताया गया। विशेष रूप से ये भी बताया गया कि रात्रि में कोई ना कोई व्यक्ति पंडाल पर अवश्य रहे ताकि कोई ऐसी बात ना हो पाए जिससे कोई भ्रम की स्थिति पैदा रहे। इसके अलावा यहाँ पर दशहरा के अगले दिन से विसर्जन शुरू होता है, लगभग 20 दिन विसर्जन चलता रहता है। यहाँ पर शहर में जो हमारा सिधारी है वहाँ पर एक बड़ा पॉन्ड बनाया गया है, तालाब बनाया गया है, पानी उसमें भरा गया और लाइटिंग की अधिक व्यवस्था की गई, वहाँ सारी शहर की मूर्ति विसर्जित होंगी। इसके अतिरिक्त पूरे जनपद में कल हम लोगों ने एक मीटिंग की थी, हमने और DM साहब ने, जहाँ जहाँ मूर्ति विसर्जन का स्थल था वहाँ पर व्यवस्था बनाने के लिए कहा है और आज सब जगह व्यवस्था हो गई है। अभी कल और परसों का दिन और हमारे पास है, इन दो दिनों में बाकी सारी व्यवस्थाएं पूर्ण कर लेंगे और जितने भी पंडाल हैं और उनके आयोजक हैं उन्हें कोई असुविधा अपनी मूर्ति को ले जाकर विसर्जित करने में नहीं होगी। मेरा सभी से यह अनुरोध है कि जो व्यवस्था प्रशासन पुलिस द्वारा बनाई गई है उसी व्यवस्था के हिसाब से चलें, वही अपना विसर्जन करें ताकि वहां पर अरेंजमेंट होने से कोई दुर्घटना होने का भी कोई चांस ना रहे और सब लोग अपना त्यौहार ठीक से मनाकर वापस घर लौटें। विसर्जन को लेकर सर, जब आते हैं जलूस आता है उसको लेकर आप कितना मतमैन है कि जलूस से कोई दिक्कत ना हो, कोई इस तरीके का ट्रैफिक बाधा ना हो? देखिए, सारी व्यवस्था पूरी तरह से बनाई गई है। कल ट्रैफिक व्यवस्था के बारे में बात हुई, कहाँ से डायवर्जन होगा, कैसे होगा और हर छोटे छोटे बिंदु पे कल बात हुई है। हमारे पास पर्याप्त फोर्स है और ड्यूटी लगाई गई है और बहुत अच्छा इस बार विसर्जन होगा और कोई हमें लगता है कि कोई भी ऐसी अप्रिय घटना नहीं होगी जो इस जनपद पुलिस व्यवस्था पर प्रश्न खड़ा है। ठीक है, थैंक यू।